नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। सीमा पर भारी गोलाबारी, भारतीय सेना का पाक को करारा जवाब। राजौरी जिले में नौशहरा सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी गोलाबारी में पाकिस्तानी रेंजर्स की 5 से 6 चौकियों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इस गोलाबारी में हमारे जवानों ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया। इस गोलाबारी में छोटे हथियारों के अलावा 82 mm और 120 mm के मोर्टार गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुबह 10 बजे बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और हमारी चौकियों को निशाना बनाकर मोटार दागे और छोटे हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा दागा गया एक मोर्टार मंगलवार शाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित आरएसपुरा के सुचेतगढ़ सेक्टर के एक घर पर जा गिरा, जिससे उसमें रहने वाले एक परिवार की 6 महिला सदस्य घायल हो गई। इसी सेक्टर के चंदूचाक इलाके में एक अन्य महिला भी जख्मी हो गई। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में लगे मोबाइल टावरों को निशाना बनाकर पाक रेंजर गोले दाग रहे हैं। इस गोलीबारी में पहली बार वे गाँव भी चपेट में आए, जहाँ आज तक कभी गोले नहीं पहुँचे थे। 1500 घरों की आबादी वाले गजनसू गाँव में इससे पहले कभी गोले नहीं गिरे। 70 वर्षीय ओंकार सिंह का कहना है कि वह शुरू से इस गांव में रह रहे हैं। भारतीय और पाकिस्तानी पोस्ट पर तो फायरिंग होती रहती है, लेकिन गांव में कभी कोई गोला आकर नहीं गिरा। गांव में एक टावर लगा हुआ है, इसको निशाना बनाकर गोले दागे गए। उल्लेखनीय है कि उरी में सेना के कैंप पर 18 सितंबर को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लक्षित हमले किए थे। लक्षित हमलों के बाद से पाक सैन्य बलों द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने की 50 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। आइए कुछ हेडलाइंस पर भी नजर डालते हैं। पाक थिंक टैंक का दावा, भारत 492 परमाणु बम बना सकता है। बोकला इमरान खान बोले, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है भारत। मोदी की आदिवासियों का अधिकार छीनने वालों को चेतावनी। आरएसएस का बयान, साईं बाबा में भी भगवान। पॉल बीटी बने बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी।